सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कपास के अंदर बीमारी के बारे में। जैसा कि कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रही हैं और मैं उनका रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूं, इतने कमेंट आते हैं पिछले वीडियोज़ पर। उसका कारण यह है कि बीमारी जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर आई हुई है और इसको बीमारी न कह करके अगर कपास के लिए महामारी का नाम दिया जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि महामारी वह होती है किसान भाइयों जो बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा असर डालने वाली होती है। इस बार जो है कपास के अंदर बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी आई हुई है। हालांकि पिछली बार भी आई थी, लेकिन इस बार जितनी जल्दी से आई है और जितने व्यापक स्तर पर आई है उतनी पिछली बार नहीं आई थी। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप इसके अंदर कौन सी दवाई करें, किस प्रकार से इसका समाधान करें। उससे पहले अपने किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा बीमारी का रूप दिखा देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लगभग जो है 50 टींटे आज तोड़े हैं और 50 टिंडों के अंदर कोई भी एक भी ऐसा नहीं निकला जो ठीक हो, यानी के सब अंदर से बेकार हैं। ये देखिए आप, बहुत ही बेकार टिंडे हो गए हैं, यानी कि अंदर ही इसके कीड़ा है और कीड़ा जो है लाल रंग का है, इसलिए उसको गुलाबी सुंडी भी कहा गया है। किसान भाई आप देख सकते हैं कि टेंटे बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, फूल और फल भी अच्छा आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि हर प्रकार से जो है कपास ओके थी। आप पीछे जो है इसका देख सकते हैं कि कैसा रंग रूप है और इसके बावजूद जो है इसके अंदर बीमारी है। अभी मैं आपके सामने जो है एक साफ़ सुथरा जो पका हुआ बिल्कुल बढ़िया टिंडा तोड़ के दिखाता हूँ और आप देखना कि ये कैसे बीमार है अंदर से। यह देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल अंदर से गड़ा हुआ है और इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है। हर पंखुड़ी जो है इसकी खाई हुई है, तो हर पंखुड़ी खाने के कारण जो है यह एकदम से बेकार हो गया है। तो ये सारी की सारी पोजीशन जो है पूरी कपास में है और यह जो है कपास को आप ख़त्म समझो। इसका मुख्य कारण ये है कि अब इसके अंदर जो है कोई सुधार नहीं हो सकता। हालांकि इसके लिए मैं सपरे की दवाई लेकर के आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं टाटा की लेके आया था मैं जसन सुपर, और इसके लिए जो दूसरी दवाई लेके आया था मैं टोकन, ये भी आप देख सकते हैं। ये दो दवाइयाँ मैं लेकर के आया था जो लगभग जो है 1000 रुपये पर एकड़ की डलने वाली थी और मैंने 2 एकड़ के अंदर ये डालनी थी। अगर आप केमिस्ट के पास जाएंगे कि किस प्रकार से हमारी कपास ख़राब हो गई है, उसका कोई समाधान बताइए, तो केमिस्ट आपको मेरी तरह कोई ना कोई दवाई चपका ही देगा। इसके बाद मेरी डॉक्टर्स से बात हुई है और अच्छे जानकारों से जो बड़ी खेती करते हैं उनसे भी बात हुई है, लेकिन सब ने यही सलाह दी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि जो गुलाबी सुंडी इसके अंदर हो गई है इसका किसी प्रकार का कोई समाधान उनके पास नहीं है। और कंपनियाँ भी जो है इसके बारे में कोई ठोक के दावा नहीं कर रही कि हमारी ये दवाई जो है पक्का रिजल्ट दे देगी। अगर आपके पास कोई कंपनी ठोक के दावा कर रही हो कि हमारी दवाई जो है इसके ऊपर 100% कारगर है और अच्छा रिजल्ट देगी, तो आप उसकी दवाई जो है सैंपल के तौर पर लेकर के कर सकते हैं और उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और किसान भैया, हमारे क्षेत्र में तो ये व्यापक स्तर पर है, आपके क्षेत्र में कैसी आई है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से क्षेत्र में बची हुई है। अगर कोई ऐसा बीज भी बचा हुआ है कि जिसके अंदर इस बीमारी का प्रकोप नहीं है, तो वो भी आप कॉमेंट करके बताएँ, क्योंकि उस बीज के ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं किसान भैया इसका समाधान क्या है। इसका वैसे कोई समाधान नहीं है, अगर आपके पास कोई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, इसका एक ही समाधान है कि आप इसकी जो खिली हुई कपास है उसको चुगवा लें और चुगवा करके इसकी जुताई करके और अपने क्षेत्र के अनुसार आप इसके अंदर अगली फसल की बुआई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सरसों बिजाई की जाती है तो हम सरसों की इसके अंदर तैयारी करेंगे। भाइयों, हमने तो इसके अंदर स्प्रे अब करना कर दिया बंद है, आप क्या करेंगे वो आपकी इच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्प्रे ना करो, लेकिन अगर आप करते हो और उसके रिजल्ट सही आते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई भी समस्या है, कोई इससे अलग कोई समस्या है या कोई बीमारी है, तो आप हमें कमेंट करें, उसका हम इलाज बता सकते हैं। जैसे सफेद मक्खी है, तेला है, चेपा है, थ्रिप्स है। इस प्रकार से किसान भाई, यह छोटी जानकारी थी, उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।